नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया सिक्का रोड में स्थित विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन में जीएसटी पर एक सत्र का आयोजन रखा गया, जिसमें जगदीश सोमानी अध्यक्ष, सुभाष गोयल सदस्य, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ, प्रदेशाध्यक्ष केट राजस्थान, हेमंत प्रभाकर महामंत्री केट राजस्थान, पुष्प कुमार स्वामी महासचिव और समस्त कार्यकारिणी विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कार्यक्रम में पधारे हुए अधिकारियों का सहर्ष और सादर स्वागत किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फोर्टीए कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर अरुण अग्रवाल द्वारा मंच का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इन्होंने कहा कि नवीनतम जीएसटी परिवर्तनों और उनके निहितार्थों का विश्लेषण किया गया। जगदीश सुमानी ने कहा कि जीएसटी विभाग ने अभी हाल ही 53वीं और 54वीं बैठक में कई बदलाव किए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी से आए हुए महानुभाव हमें अवगत कराएंगे और व्यापार एवं व्यवसाय में आने वाली जीएसटी से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। संस्था के सदस्य उद्यमियों को जीएसटी विभाग की सुविधाओं का लाभ मिले और नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। जीएसटी से संबंधित जानकारी और जागरूकता के लिए विभिन्न सत्र एवं कार्यक्रमों का आयोजन इस तरह समय समय पर होते रहना चाहिए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दुनिया भर के देशों की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चला है कि एमएसएमई कई अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ खंभ है। जीएसटी से आए हुए महेंद्र रंगा मुख्य आयुक्त जीएसटी, सीके जैन प्रधान आयुक्त जीएसटी, गौरव सिन्हा आयुक्त अपील, सुजाता प्रियदर्शनी आयुक्त, ऑडिट दिनेश सिंह देवल अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी, बबनी तुली आदि जयपुर जोन ने अपने उद्बोधन में जीएसटी में किए गए नए नए बदलाव एवं विविध योजनाओं की जानकारी प्रदान की, जैसे नियुक्ता एवं जीएसटी विभाग के क्या दायित्व हैं से अवगत कराया। जीएसटी विभाग द्वारा दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं जैसे अनुपालना, ऑनलाइन दावे प्रस्तुत किया जाना, संयुक्त घोषणा पत्र द्वारा संशोधन कराना, प्रिंसिपल नियुक्ता पोर्टल पर विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम से जीएसटी एवं व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु विभिन्न लाभकारी जानकारी जैसे नवीनतम जीएसटी के बारे में जानकारी, अपने व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने एवं जीएसटी से संबंधित शंकाओं एवं चिंताओं को समझने का लाभ प्राप्त हुआ और व्यवसायियों के सामने आने वाली समस्याओं का सत्र में ही प्रश्नोत्तरी सेशन द्वारा समाधान किया गया। जीएसटी विभाग के कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी गणों, कोषाध्यक्ष व्यवसायस्थान स्टील चैम्बर के अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य गण और उद्यमी गणों की सहर्ष और सादर मौजूदगी रही। बेनिफिशियल रजिस्ट्रेशन में आपको बताना चाहूंगा वो है जो कस्टम्स एक्ट में है, मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयरहाउस रेगुलेशंस 1990। ये शायद मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे शायद आप लोगों ने शायद इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि एक ऐसा लेजिस्लेशन भी है जो मतलब आप लोगों को बहुत ही बड़ी एक सुविधा प्रदान करता है। मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों को पता है? नहीं, किसी को भी पता नहीं। किसी को भी नहीं पता। आप क्योंकि कंसल्टेंट है, जाके भी चूंकि उसको यूज करते हैं इसलिए इनको पता है। बट ये एक इतना अच्छा बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रमाइसेस को वेयर हाउस डिक्लेयर करवाइए, कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउस डिक्लेयर करवाइए, उसके बाद आप कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट करिए। अगर आपको कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट करना है तो वो आपको ड्यूटी फ्री आपके पास बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट फ्रॉम पोर्ट ऑफ इंपोर्ट टू योर वेयर हाउस अलाउड होगा। एंड दोज कैपिटल गुड्स यू कैन यूटिलाइज, यू कैन यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, इवन फॉर डोमेस्टिक क्लियरेंस, फॉर योर एक्सपोर्ट क्लियरेंस, फॉर एनी टाइप ऑफ क्लियरेंस विदाउट एनी टैक्स पेमेंट टिल यू वॉन्ट टू यूज देम। जब तक आप उनको यूज करना चाहें, चाहे आप 20 साल यूज करें, चाहे 30 साल यूज करें, आपको टैक्स नहीं देना। उसके साथ ही साथ आपको जो है उसी प्रावधान में एक प्रावधान हो रहा है कि आप रॉ मटेरियल भी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को भी आप यूज कर सकते हैं बिना टैक्स दिए। उसको भी आपको बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट आपकी आपकी वेयरहाउस में लेके आना है। उसके बाद आप उसको गुड्स को मैन्युफैक्चर करिए, आप चाहे इसको डोमेस्टिकली क्लियर करें, चाहे आप उसको एक्सपोर्ट्स के लिए क्लियर करें। अगर आप उसको एक्सपोर्ट्स के लिए क्लियर कर रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप डोमेस्टिकली क्लियर कर रहे हैं तो जितना परसेंटेज, जितनी प्रोपोर्शन आप उसको क्लियर करें डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर गुड्स में, उतना टैक्स आपको देना है। और जीएसटी काउंसिल मीटिंग और उसके बाद बजट आया और फिर 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है, उसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं तो ट्रेड को हम उनसे अपडेट करा सकें। और वो चेंजेस भी आप देखेंगे कि उनका पर्पस भी है लिटिगेशन को कम करना, ट्रेड को फैसिलिटेशन प्रदान करना।
सीजीएसटी डिपार्टमेंट से हमारे को सुझाव दिया गया कि एक हम यहाँ हेल्प डेस्क की व्यवस्था करें, जिससे कि करीब 2500 हमारी जो यूनिटें हैं विश्वकर्मा में और उसके जो भी इंडस्ट्रीज जो भी यूनिटें हैं उनको सीजीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी एरर आता है तो उसके बारे में वो यहाँ पे अपने यहाँ पे मेंबर को अपॉइंट करेंगे जो कि हमारे को उन समस्याओं से समय समय पर निजात दिलाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्दी हम जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ एसोसिएशन में करवा देंगे कि जिससे कि हमारे जो भी 2500 इंडस्ट्रीज थे उनको सबको इन समस्याओं से समाधान मिलने में आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं ये कागज हमसे मांग लेंगे तो भले ही एक दो दिन आगे पीछे हो जाएगा, पर जो फर्जी लोग हैं हम उनको आने से रोक पाएंगे। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जितने हम फर्जी लोगों को पहले पकड़ रहे थे उनकी संख्या निस्संदेह घटी है, तो जो हमारे प्रयास हैं वो सफल हुए हैं और हमें और इस बारे में काम करना है। और जो अंतिम बात की जो फर्जी आदमी है जो गलत काम करने वाला है उसकी तसल्ली पक्ष तरीके से मरम्मत की जाए, ये भी सरकार का एक प्रयास है कि वो लोग बख्शे ना जाएं और उनके साथ कानून सख्ती से पेश आए और वो सख्त प्रावधान कानून में ही उनके लिए रखे गए हैं, उनको किसी तरीके की कहीं से कोई छूट ना मिले, उनको कहीं से कोई उनको शहर ना मिले, ये हमारी कोशिश है सरकार की। तो कुल मिला के जो बात ये है कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो आगे बढ़े, टैक्स के लिए उसके चिंता नहीं होनी चाहिए, वो अपना मेन काम जो उसका बिजनेस का है वो उसको कर सके और कुछ प्रोफेशनल्स जो है वो इसको संभाल सकें और हम इसको सरल बना सकें। इसके सरलीकरण के लिए जो कुछ किया जाना है वो हमें करना है। तो जो मैंने कहा कि हमारे दो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे सोच है, नंबर एक जेन्युइन आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और दूसरा फर्जी आदमी है उसकी तसल्ली बख्श तरीके से मरम्मत हो, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना पाना कहाँ पे बैलेंस बैठता है ये एक बड़ा मुश्किल है। जब हम फैसिलिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो फर्जीवाड़ा बढ़ जाता है।